प्राइवेट क्लास में कोई जाके बच्चा करे तो 5,500-6,000 रुपए लगता है। हमारे यहाँ पे मात्र 10 रुपया रोज का अगर देता है वो 999 रुपए के अंदर 3 महीने का उसको कोर्स हम लोग MScIT का यहाँ पर करा के देंगे। और एक टैली प्लस MScIT और सब एडवांस कोर्स जो बोलते हैं उसका एक पैकेज है कुछ 16,500 का, प्राइवेट में करते हो ऐसा एक पैकेज का कोर्स हम लोगों ने 1,499 रुपए के अंदर 3 महीने का, ये भी कोर्स होता है 3 या 4 महीने का, 1,499 रुपए के अंदर हम लोगों ने हमारी संस्था के थ्रू यहाँ पर हम लोग के अंदर काम करने की जरूरत है, उनको शिक्षा हो या उनका रोजगार का हो या उनके और अलग अलग जो सुविधा है उसके अंदर काम करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ ने ये बड़ी पहल ये कही है और इनको मैं शुभेच्छा देता हूँ और भविष्य के अंदर ये संस्था बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करेगी। ये तो बोलो चलेगा यार। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द माइक को सब्सक्राइब जरूर करें। भिवंडी शहर में एक अनोखा ट्रेंड जो बन सकता है ब्रांड, केमिस्ट और सुपरमार्केट एक साथ, जहां कम दामों में दवाओं के साथ मिलेंगे घरेलू सामान, सिर्फ दवा मार्केट। आप मंगवाएं दवाएं और घरेलू सामान, वो भी बिल्कुल फ्री और फास्ट होम डिलीवरी सर्विस के साथ, 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर। एड्रेस है मिर्जा हाइट नियर अमीना हॉस्पिटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इमरान भाई, आज आपने नई बस्ती केजीएन हॉल के पास जो कंप्यूटर क्लासेस की शुरुआत की है, तो उसमें ये बताइए कि कंप्यूटर क्लासेस के साथ में बच्चों को और क्या सहूलत मिलेगा और ये किसकी तरफ से किया गया है? सर, आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2023 है आज, इसके अवसर पर और इस रमज़ान मुबारक महीने के अवसर पर हम लोगों ने एक छोटी सी तोहफा, छोटा सा गिफ्ट हमने भिवंडी वासियों को दिया है। महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ की एक दक्कन कंप्यूटर एंड ट्यूशन क्लासेस हम लोगों ने शुरू की है। सर, ये हमारे जो गरीब वंचित और समाज में जो सामान्य विद्यार्थी जिनको कहते हैं, जो फीस के कारण या किसी कारण फाइनेंशियल के कारण अपना बड़े बड़े अच्छे कंप्यूटर क्लासेस के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते या काम पढ़ नहीं पाते, उन लोगों के लिए स्पेशली इस भिवंडी शहर के अंदर नई बस्ती के अंदर जो गोर गरीब लोग रहते हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने एक कंप्यूटर क्लास शुरू किया है। यहाँ पर सर MScIT का कोर्स प्लस टैली बेसिक, एडवांस बेसिक का कोर्स और बहुत सारे अदर कोर्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किए। जैसे कि अभी वेकेशंस चल रहे हैं तो बच्चों के लिए हम लोगों ने 1 महीना कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने फ्री रखा हुआ है। जिन्होंने कंप्यूटर, जिसका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर से अभी तक नहीं है, उनको हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर 1 महीना सिखाने का हम लोगों ने ये किया है। प्लस MScIT का कोर्स, जैसे आप जानते हो कि 5,500-6,000 रुपये शायद बाहर प्राइवेट क्लास में कोई जाके बच्चा करे तो 5,500-6,000 रुपये लगता है उसको, तो हमारे यहाँ पे ये 3 महीने का कोर्स होता है। सर, हमारे यहाँ पे मात्र 10 रुपया रोज का अगर देता है वो 999 रुपये के अंदर 3 महीने का उसको कोर्स हम लोग MScIT का यहाँ पर करा के देंगे। और एक बेसिक उसके अंदर टैली प्लस MScIT और सब एडवांस कोर्स जो बोलते हैं उसका एक पैकेज है कुछ 16,500 का, प्राइवेट में करते हो ऐसा एक पैकेज का कोर्स हम लोगों ने 1,499 रुपए के अंदर 3 महीने का, ये भी कोर्स होता है 3 या 4 महीने का, 1,499 रुपए के अंदर हम लोगों ने हमारी संस्था के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है। इंग्लिश स्पीकिंग भी है इसके अंदर, जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़े होंगे या मराठी मीडियम से पढ़े होंगे या इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े होंगे और शायद इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाते, तो हमारे टीचर्स लोग कोशिश करेंगे उनको सारी इंग्लिश में जो टॉकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, वो हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे सर। और दूसरा एक चीज़ है, यहाँ पर स्टडी सेंटर भी हम लोगों ने शुरू किया, उसके साथ में ट्यूशन क्लासेस भी शुरू की। ट्यूशन क्लास के अंदर जहाँ पर 300, 400, 500 रुपया
यहाँ पर एरिया के अंदर लिया जाता है पर मंथ का, हम लोग ने मात्र 100 रुपए के अंदर, 100 रुपीज के अंदर हर महीना आप आके अपने बच्चों को थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और 100 रुपया महीने के अंदर आप अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। रमजान महीना चालू है, आपको सबको पता है, और रमजान महीना एकदम पवित्र महीना माना जाता है। और आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती भी है। ये दोनों को इकट्ठा करके ये जो महाराष्ट्र और दक्खन मुस्लिम सेवा संघ जो है, ये जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे करीब करीब फ्री में कंप्यूटर क्लासेस, स्टडी क्लास जो भी है, ट्यूशन क्लासेस शुरू की है। मुझे ऐसा लगता है, बार बार लगता है कि बाबा साहब के नाम लेके जिंदाबाद करने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो करना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन बाबा साहब जो जिंदगी भर ज्ञान की बातें करते हैं कि लोग ज्ञानी होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, इसकी जो बात करते थे वो बात इन्होंने अमल में लाई, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी जो कौन रहेंगे, तो ये जो संस्था जो है, ये संस्था के जो सारे कार्यकर्ता और संस्था के जो पदाधिकारी वो है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अंदर इमरान भाई जो है बड़े बढ़ चढ़ कर ये सारे लोगों के अंदर काम कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज जो है इसके अंदर बहुसंख्य लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है और मेहनत करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट के अलग अलग रिपोर्ट है, उसके अंदर के ये बातें मैं कोई नए बात कर नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अंदर भी सारी बातें आई, और इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है, उनके अंदर काम करने की ज़रूरत है। उनको शिक्षा हो या उनका रोज़गार का हो या उनके और अलग अलग जो सुविधा है उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और दक्खन मुस्लिम सेवा संघ ने ये बड़ी पहल ये कही है, और इनको मैं शुभेच्छा देता हूँ, और भविष्य के अंदर ये संस्था बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करेंगी, ये मुझे विश्वास है।